मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय हुकूमत की अपनी शहरियों को कनाडा के कुछ हिस्सों में ना जाने और वहां के सफ़र से भी परहेज़ की तनबीह, ऐसा दोनों ममालिक के माबैन इस हालिया सिफारती कशीदगी के तनाजर में किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा अपने मीथेन में कमी के अहदाफ से तजावुज़ कर जाएगा और वो सैयारे को गर्म करने वाली सबसे ज़्यादा ताकतवर गैसों में से एक को कम करने के अपने अहदाफ कबल अज़ वक़्त हासिल करने की पोजीशन में है। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्राइवेट मेंबर का बिल पेश कर दिया, बिल जिसके पास होने का इम्कान नहीं। वफाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट अखराजात को इस्तेमाल करने के इर्द गिर्द मरकूज है ताकि शहरों को मजीद घर बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। नगोर्नो काराबाख में हलाकतें, अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने की अपील। अमरीका के दो बड़े इत्तेहादी और नेटो के रुकन ममालिक फ्रांस और जर्मनी का आजरबाइजान के इकदाम की मजम्मत। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हम भी करेंगे, इसराइल से फिलहाल सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया कि जो मुल्क भी जौहरी हथियार हासिल करता है और बाकी दुनिया के साथ मुतसादिम होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो कनाडा के कुछ हिस्सों में ना जाएं और वहां के सफर से भी परहेज करें। ये तनबीह एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के बाइस हालिया भारतीय कैनेडियन कशीदगी के पेश नज़र की गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो कनाडा के कुछ हिस्सों में ना जाएं और वहां के सफ़र से भी परहेज करें। ये तनबीह एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के बाइस हालिया भारतीय कैनेडियन कशीदगी के पेश नज़र की गई है, ऐसा दोनों ममालिक के माबैन इस हालिया सिफारती कशीदगी के तनाजर में किया गया है, जिसकी वजह ये इल्ज़ाम बने कि वैनकूवर शहर के करीब एक सिख अलहदगी पसंद सियासी कारकुन के कत्ल के वाक़े में नई दिल्ली हुकूमत मुलविस थी। नई दिल्ली से मौसूला रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय हुकूमत ने मुल्की शहरियों को तनबीह करते हुए कहा है कि वो शुमाली अमरीकी मुल्क कनाडा के कुछ हिस्सों के सफ़र से परहेज करें। नई दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा के जारी करदा एक बयान में कहा गया है, कनाडा में धमकियों का निशाना खासतौर पर भारतीय सिफारतकारों और भारतीय कम्युनिटी के ऐसे हलकों को बनाया गया है जो इंडिया दुश्मन एजेंडे की मुखालफत करते हैं। कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई और बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। पांच अहम ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं और सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्जामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन हुकाम का कहना है अमरीका के साथ मिलकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं, मुनासिब वक्त पर शवाहिद सामने लाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत से कहा है कि वो तहकीकात में तआवुन करें, जबकि ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स गिलोरी ने कहा कि हरदीप सिंह के कातिलों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के मौके पर खिताब करते हुए ट्रूडो ने तस्दीक की कि कनाडा मीथेन के अखराज के अपने अहदाफ को पूरा करने और उससे तजावुज़ करने के रास्ते पर है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडा अपने मीथेन में कमी के अहदाफ से तजावुज़ कर जाएगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध को कहा कि कैनेडा की मीथेन में कमी की कोशिशें मुकर्रर वक्त से पहले हैं और वो सैारे को गर्म करने वाली सबसे ज़्यादा ताकतवर गैसों में से एक को कम करने के लिए अपने अहदाफ कबल अस वक्त हासिल करने की पोजीशन में है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर खिताब करते हुए ट्रूडो ने तस्दीक की कि कैनेडा मीथेन के अखराज के अपने अहदाफ को पूरा करने और उससे तजावुज़ करने के रास्ते पर है। कैनेडा ने 2030 तक तेल और गैस के शोबे से मीथेन के अखराज को 2012 की सतह से कम अज़ कम 75% तक कम करने का अहद किया है। ट्रूडो ने आलमी रहनुमाओं को बताया, आज मैं ऐलान कर सकता हूँ कि जो मुसविदा जवाबित हम जल्द ही शेयर करेंगे उसको इस बड़े हदफ से तजावुज़ करने में हमारी मदद करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ट्रूडो ने इस साल के आखिर तक तेल और गैस के शोबे से अखराज को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करने का भी वादा किया। ट्रूडो ने मजीद वजाहत नहीं की कि कैनेडा अपने अहदाफ को किस हद तक अबूर कर सकता है। मजीद तफसीलात मुतवक्के हैं जब वफाकी हुकूमत इस मौसम खजा में अपने अपस्ट्रीम ऑयल और गैस मीथेन के जवाबित जारी करेगी। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्राइवेट मेंबर का बिल पेश किया जिसमें हाउसिंग के कौमी बहरान से निमटने के लिए एक मंसूबे का खाका पेश किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्राइवेट मेंबर का बिल पेश किया जिसमें हाउसिंग के कौमी बहरान से निमटने के लिए एक मंसूबे का खाका पेश किया गया है। बिल जिसके पास होने का इम्कान नहीं है वफाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट अखराजात को इस्तेमाल करने के इर्द गिर्द मरकूज है ताकि शहरों को मजीद घर बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। ये तजवीज़ करता है कि शहरों को अपने मामूल के बुनियादी ढांचे के अखराजात वसूल करने के लिए हर साल घरों की तामीर में 15% इजाफा करना चाहिए। वो शहर जो इस हदफ को पूरा करने में नाकाम रहते हैं उन्हें मिलने वाले विफाकी डॉलर में कमी नजर आएगी जबकि इससे ज्यादा होने वालों को इजाफी रकम मिलेगी। ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग सिर्फ शहरों को दी जाएगी जब हाई डेंसिटी हाउसिंग तामीर की जाए और ट्रांजिट स्टेशन के इर्द गिर्द उन पर कब्जा किया जाए। हाउसिंग के माहरीन वकला और सनअती ग्रुप आमतौर पर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि म्यूनसिपलिटीज नई तरक्कियों में बहुत सी रुकावटें खड़ी करती है और सिटी काउंसिल्स अक्सर तरक्की मुखालिफ जज्बात से मुतासिर होती है। पियर पॉलिवर के लिए विफाकी फंड्स को म्यूनसिपल सतह पर हाउसिंग के नतायज से जोड़ना हाउसिंग बहरान से निमटने का मरकजी तरीका है। लिबरल्स अपने हाल ही में शुरू किए गए हाउसिंग एक्सीलेटर फंड के जरिए शहरों को मजीद घर बनाने के लिए विफाकी फंड्स इस्तेमाल करने का भी मनसूबा बना रहे हैं। ताहम ये फंड सिर्फ शहरों को इजाफी रकम देता है और इसमें शहरों से रकम रोकना शामिल नहीं है। बुध को हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना बिल पेश करते हुए पॉलिवर ने लिबरल फंड को मजीद ब्यूरोक्रेसी के तौर पर नुमाया किया। पॉलिवर ने कहा ट्रूडो को एक प्रोग्राम मिला है जिसमें मजीद इजाफा होगा। ब्यूरोक्रेसी को अपना पहला ऐलान करने में 1.5 साल लगा है और उसने एक भी घर नहीं बनाया है। वो इससे अपने मंसूबे से तसादुम करता है जो शहरों को इनाम देने या सजा देने के लिए एक सादा रियाजियाती फार्मूला पेश करता है। कंजर्वेटिव तजवीज़ हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड से $100 मिलियन दोबारा मुख्तस करेगी ताकि उन कम्युनिटियों को इजाफी रकम दी जाए जो रिहाइश के अहदाफ से बहुत ज्यादा है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नगोर्नो काराबाख में हलाकतों की इत्तला पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने की अपील की है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नगोर्नो काराबाख में हलाकतों की इत्तला पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने की अपील की है। आज़रबाईजान का मौकफ है कि वह नगोर्नो काराबाख में इंसदादे दहशतगर्दी के इकदाम कर रहा है जबकि आर्मीनिया का दावा है कि वह इलाके में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। अमरीका के दो बड़े इत्तेहादी और नेटो के रुकन ममालिक फ्रांस और जर्मनी ने आज़रबाईजान के इकदाम की मजम्मत की है। रूसी ज़राए इब्लाग के मुताबिक रूस ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वह खूनरेजी बंद करके सियासी और सिफारती तस्वीर का रास्ता इख्तियार करें। उधर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने आज़रबाईजान की तरफ से नगोर्नो काराबाख के आर्मीनियाई आबादी वाले सूबे के खिलाफ जारी इकदाम को फौरी रोक देने का मुतालबा किया है और यूरोपीय यूनियन और अमरीका ने उन इकदाम की मजम्मत की है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मंगल को साबिक ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि आज़रबाईजान के नाकाबिल कबूल फौजी इकदाम से नगोर्नो काराबाख में इंसानी सूरत हाल के मजीद खराब होने का खतरा है। हम तशद्दुद के फौरी खात्मे और बराह रास्त मुज़ाकरात का मुतालबा करते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नगोर्नो काराबाख इलाके में आज़रबाईजान के फौजी ऑपरेशन में कम अज़ कम
25 افراد ہلاک اور 200 سے دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل کو خطے میں فوجی طاقت کے استعمال اور شہری آبادی سمیت ہلاکتوں کی رپورٹس پر انتہائی تشویش ہے۔ سیکرٹری جنرل لڑائی کے فوری خاتمے، کشیدگی میں کمی اور 2020 کی جنگ بندی کے معاہدے کی سختی سے پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے امدادی اداروں کے متاثرہ افراد تک فوری رسائی کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ فریقین اعتماد سازی اور خطے میں طویل مدتی امن کے قیام میں مدد کے لیے کوششوں پر دوبارہ توجہ دیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوئے تو سعودی عرب بھی سیکیورٹی اور طاقت کے توازن کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو ہم بھی کریں گے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوئے تو سعودی عرب بھی سیکیورٹی اور طاقت کے توازن کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو ملک بھی جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے اور باقی دنیا کے ساتھ متصادم ہوگا، جوہری ہتھیار حاصل کرنا بیکار ہے کیونکہ اسے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دنیا ایک نئے ہیروشیما کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ اسرائیل سے سعودی عرب کا فی الحال کوئی تعلق نہیں، مسئلہ فلسطین اہم ہے، اسے دو طرفہ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششوں کے دوران حل ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ امریکی اور غیر ملکی کمپنیاں آئیں اور مشرق وسطی میں محفوظ ماحول میں سرمایہ کاری کریں۔ سعودی عرب امریکہ سے ہتھیار خریدنے والے 5 بڑے ممالک میں شامل ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔